तो आइसक्रीम आपके फ्रिज में है या नहीं है? नहीं है तो जाके ले आइए, और उसके बाद एक काम करते हैं, ये जरा पैन ले लेते हैं और इस पैन में चीनी लेते हैं, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये आइसक्रीम तो नहीं है लेकिन आइसक्रीम के जैसी चीज़ है। ये मेरे पास कॉर्न सिरप नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप शहद डालें इसके अंदर, चीनी, शहद और उसके साथ साथ थोड़ा पानी, और ये जो है सब मिक्स कर लेते हैं एक बार ही हल्के से, और उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम अपने आप ही होगा इसका। और इस रेसिपी के लिए हमें थोड़े कुछ पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न क्रंच बनाएंगे हम, और इसके साथ साथ थोड़ा इसमें क्रंची टेस्ट, और वो आएगा ये पीनट से, रोस्टेड पीनट। चाहे तो इसे थोड़ा क्रश भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये बटर। अब देखिए इसका जो रंग है ये हल्का हल्का आना शुरू हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो ये बटर इसमें इनकॉर्पोरेट करना है हमें, तो ये बटर ये लिया, बटर डाल दिया, ये देखिए बटर डाल के इसका रंग कैसे बढ़िया हो गया, एकदम नाइस। ये तैयार अच्छी तरह से, अभी जो ये है ये नाइस एंड चुई, बिल्कुल जैसे टॉफी में कैसे बाइट होती है बिल्कुल वैसे ही। इसको बंद कर देते हैं अब, और ये हम डालेंगे पॉपकॉर्न है इसमें, ये लेकर इसे ज़रा मिक्स करना है हमें, और ये लीजिए, ये देखिए ये सॉस मिक्स कर दी, और फिर इसको हम एक काम करते हैं, इसको डाल देते हैं ठंडा होने के लिए ये इस सिलिकॉन शीट के ऊपर, तो ये लिया इसको सिलिकॉन शीट के ऊपर, वाह ये देखिए नाइस, कितना दिखने में अच्छा, खाने में तो कमाल का है ही है ये। और अब ये डालने के बाद इसको जब थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो ये साथ में चिपक जाएगा, और ये जो है हमने इसको पूरा कैरमलाइज नहीं किया कि एकदम ये क्रिस्प हो जाए, तो ये थोड़ा सा चुई, क्योंकि इसमें जो क्रिस्पनेस है, क्रंच जो है वो पॉपकॉर्न के अंदर है। तो अगर आप इसको ये देखिए ये यहाँ पर जो है ये, अगर मैं इसको खा के देखता हूँ तो क्या ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा टेस्ट। और ये जो है इसको हम सर्व करेंगे आइसक्रीम के साथ, और ये आइसक्रीम मैं लेके आता हूँ, ये मेरे पास आइसक्रीम, और आइसक्रीम पे इसको हम सर्व करेंगे, और ये जो है इसको इस तरह से आइसक्रीम के साथ, थोड़ा जब ये ठंडा हो जाए तो ये साथ में जुड़ेगा, और ये इस तरह से ये देखिए, और इसको आप आराम से सर्व कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसको सर्व करना, हाँ थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब ये पूरी तरह से आइसक्रीम नीचे है, आपको पता है चॉकलेट आइसक्रीम हमने ली थी, और उसके साथ साथ ये हमारे पास चॉकलेट सॉस, क्योंकि जब आप इसको सर्व करते हैं ना तो ज़रा मज़ा आना चाहिए चॉकलेट का, और जब आप इस तरह से ये कुछ मीठा लेके जाएंगे, आप चाहें तो इंडिविजुअल बोल्स में भी इसको सर्व कर सकते हैं, नीचे आइसक्रीम ऊपर से ये गार्निश और थोड़ी चॉकलेट सॉस, डिलीशियस, बहुत ही बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो लोग खाते हैं कहते हैं ये पहले तो कभी नहीं खाया था, जी हाँ पहली बार अब बनाइए।